हेलो फूडीज, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू केबीजी वीडियोस। मैं वंदना आज आपके लिए एक बहुत ही मस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है वेजिटेबल इटालियन पास्ता। आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। बस इसके कुछ की इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। जब हम इस लॉकडाउन में बैठे हैं और हम बाहर का अवॉइड कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों को हम बाहर नहीं लेके जा सकते, तो ये पास्ता तो बेस्ट है, बिकॉज इसमें फुल ऑफ वेजिटेबल्स हैं। आप ज़रूर बनाइएगा एंड ज़रूर बच्चों को खिलाइएगा, डेफिनेटली उनको पसंद आएगा। चलिए फिर बनाते हैं इटालियन वेजिटेबल पास्ता। तो पास्ता के लिए हमने यहाँ पे अराउंड 250 ग्राम ये पेनिनी पास्ता लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैक्रोनी भी ले सकते हैं, जो भी बच्चों की इच्छा है या जो भी आपको खाना है वो ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स में गार्लिक बहुत इम्पॉर्टेंट है पास्ता के लिए, आप वो ज़रूर लीजिए। एंड अदर वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं और लेस कर सकते हैं। अब हमने ऑयल डाला पानी में, पानी इतना रखिएगा कि पास्ता अच्छे से कवर अप हो जाए, या ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिससे वो चिपकेंगे नहीं, सॉल्ट डालेंगे जिससे वो जल्दी भी पकेंगे और उनके अंदर थोड़ा सॉल्ट भी आ जाएगा टेस्ट में। और इनको बॉईल होने दीजिए लिड कवर करके। सो ये पास्ता पक चुका है, अराउंड 10 to 15 मिनट्स लगे हैं। एंड आप उसको या तो फोर्क से चेक कर सकते हैं या तो नाइफ़ से चेक कर सकते हैं। गरम है तो आप हाथ मत टच कीजिएगा, नाइफ बेटर ऑप्शन है। इस तरह का पास्ता कट गया, मतलब पास्ता पक गया। एंड अब हम उसको ठंडे पानी में रिंस करेंगे। ठंडे पानी में रिंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये गरम गरम एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो प्लीज़ नोट, ठंडे पानी से रिंस ज़रूर कीजिएगा। सो आफ्टर रिंस आप पास्ता साइड रख दीजिए एंड लो मीडियम फ्लेम में ऐसा पैन गरम कीजिए एंड अराउंड 1 tablespoon बटर डालिए। गाइस नोट, प्लीज़ बटर डालिए, बिकॉज इससे पास्ता का टेस्ट एनहेंस होता है। आप ऑयल की जगह बटर ज़रूर डालिएगा। गरम होने दीजिए, पूरा मेल्ट हो जाए प्रॉपर, इतना गरम होने दीजिए। मेक श्योर ये जले ना, तो फ्लेम अपने हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए। कितने सुंदर बबल्स आ रहे हैं बटर में, वाओ। नाउ की इज गार्लिक, लहसुन। आप बटर में लहसुन जरूर डालिएगा, हल्का सा रोस्ट कीजिएगा एंड फिर डालिए ऑरेगेनो। गाइस जैसे ही आप ऑरेगेनो डालेंगे ना, बटर एंड गार्लिक ऑरेगेनो, ऐसा खुशबू ऐसा अरोमा आएगा कि आप बस खुशबू ही लेते जाएंगे। आपको इसी में ही मज़ा आ जाएगा, स्टार्टिंग में बनाने में ही मज़ा आएगा। प्रॉपर इसको रोस्ट कीजिए, मेक श्योर गाइस जले ना, अच्छे से पकाइएगा। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है, मुझे तो बस मज़ा ही आ गया। अब हम इसमें चिली डालेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, हल्का सा, हमने हाफ छोटे चम्मच सॉल्ट डाला है। प्रॉपरली मिक्स करेंगे ताकि ये सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए, नीचे जले ना, चिपके ना। जो हमने चॉप्ड अनियन की थी वो प्रॉपर डालेंगे, मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च डालेंगे,
आप डिफरेंट डिफरेंट कलर की शिमला मिर्च ले सकते हैं, उससे पास्ता और सुंदर दिखेगा। मेरे पास सिर्फ हरी शिमला मिर्च थी तो मैंने वो डाल दी। अब हम डालेंगे कैरेट्स। लो, हेल्दी है कि नहीं, कितना ग्रीन है, कितना ऑरेंज है। अब हम सब प्रॉपर मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून अराउंड ऑयल सॉल्ट डाला है, सॉरी सॉल्ट डाला है 1 टेबल स्पून। मिक्स प्रॉपरली। हम यहाँ पे लेमन ऐड कर रहे हैं गाइस। मुझे और मेरे हस्बैंड को टैंगी टेस्ट पसंद है, सो वी आर एडिंग इट, इज टोटली ऑप्शनल। सो नाउ हियर कम्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, टमाटो सॉस। ये पास्ता का बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, इससे टेस्ट बहुत औसम आता है। ये सॉस मैंने घर पे बनाया है, ये रेसिपी मैं आपको डेफिनेटली कुछ दिन में शेयर करूंगी। जब मैं बना रही थी तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, बट डेफिनेटली आपके साथ कुछ दिनों में मैं शेयर करूंगी गाइस। अब इसको प्रॉपरली मिक्स कीजिए, मेक श्योर लो मीडियम फ्लेम में है गैस, जले ना। वेजिटेबल पूरी कुक्ड हो चुकी है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये ग्रेवी जैसा बन जाए पास्ता के लिए। ये जो कंसिस्टेंसी है, लिक्विड की कंसिस्टेंसी इतनी बेस्ट है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बट मैं इतना ही लिक्विड फॉर्म रखूंगी। तो नाउ अब हम ऐड करेंगे चीज़। गाइस ये अमूल चीज़ है, मेरे पास मोज़रेला चीज़ नहीं था, तो हम यहाँ पे अमूल चीज़ यूज़ कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से इस क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालिए, कम डालना है कम डालिए, मैं थोड़ा कम डालूँगी। सो नाउ हमने ये अनियन एंड टमेटोज बड़े बड़े चॉप करके अलग से रख दिए थे ताकि ये पकने के बाद, इन्हें पूरा पकाना नहीं है गाइस, थोड़ा सेम ही कुक करना है। पकने के बाद ये थोड़े अलग से बड़े बड़े चंक्स दिखेंगे जो दिखने में अच्छे लगेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। टमाटो सेमी कुक करने थे हमें, हमने सेमी कुक किए हैं। यदि आपको और कुक करना लगता है तो आप और कुक कर सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा देर पकाएंगे। एंड पास्ता जो हमने बॉईल किए थे वो डाल देंगे, प्रॉपरली मिक्स करेंगे। थोड़ा स्पैचुला ऐसा यूज़ कीजिएगा जिससे ये बॉइल्ड पास्ता टूटे ना। अरे इससे जो टेक्सचर आता है ना, इतना टेम्पटिंग लगता है, इतना टेम्पटिंग लगता है कि जस्ट देखो और खाने का मन कर जाए। आप अपने हिसाब से गाइस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। नाउ अब हम इसमें ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रहे हैं, ये टोटली ऑप्शनल है गाइस। अब इसे 2-3 मिनट्स तक लो फ्लेम पे
मद्धा मद्धा पकने दीजिए, इससे चीज मेल्ट हो जाएगा। नाउ पास्ता तैयार है खाने के लिए। गरम गरम खाइए, खिलाइए, मजे कीजिए। इस लॉकडाउन में ये गरम गरम पास्ता बनाइए। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी पास्ता है, इनफैक्ट बड़ों के लिए बूढ़ों के लिए भी बहुत हेल्दी पास्ता है। आपने देखा है मैंने कितने वैरायटीज के वेजिटेबल्स डाले हैं, देख कितना यमी रहा है और स्वाद में तो मज़ेदार है ही। देखिए ये जो टेक्सचर आया है, मैंने कहा था ना दिखने में कितना टेम्प्टिंग है ये टेम्प्टिंग, कितना सुंदर दिख रहा है। चलिए गाइस, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को, केबीजी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। बाय बाय।